हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम हूँ। और आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं टॉपिक्स जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर में आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को। तो ये रिवीजन के अंदर जो है पहला लेक्चर है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल या डिफाइन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल या एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, डिस्कस द शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन फैक्टर्स ऑन व्हिच एमएसी डिपेंड्स या डिस्कस द फैक्टर्स व्हिच ऑन व्हिच एमएसी डिपेंड्स। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है दैट इज रेलिवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, मैनेजरल इकोनॉमिक्स। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माय ऐप एडिसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह ही मैक्रो माइक्रो के स्ट्रक्चर कोर्सेज इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर उपलब्ध है। इसी तरह इसका हिंदी और पंजाबी के अंदर लेक्चर जो है वो मेरे दूसरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस के अंदर अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। तो हमें पता है कि जब हम निवेश करते हैं तो उस वक्त हम दो चीजों का ध्यान रखते हैं, एक है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। देखो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का मतलब होता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि कहीं पे भी जब हमने पैसा लगाना है तो हमारे लिए ये बहुत मैटर करता है कि हमें कॉस्ट क्या पड़ेगी जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है और हमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स अपॉन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो शॉर्ट पीरियड के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ये कांस्टेंट होता है, इसके अंदर ज्यादा चेंजेस नहीं आती, तो ये कांस्टेंट होता है। तो इन्वेस्टमेंट जो होती है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होती है। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का मतलब होता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी, कि जब हम पैसा लगाते हैं तो उससे हमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना मिलेगा। 1930 के अंदर इरविंग फिशर जो था फर्स्ट इकोनॉमिस्ट था जिन्होंने इस टर्म को यूज किया था और उन्होंने कहा था रेट ऑफ रिटर्न ओवर कॉस्ट। देखो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का मतलब होता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट, कि जो हम नया निवेश करते हैं उसके अंदर प्रॉफिट के जो पॉसिबिलिटी होती है उसको हम मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कहते हैं, कि नए निवेश में हमें कितना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिलेगा। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल मींस इनकम रिसीव्ड आफ्टर डिडक्टिंग द कॉस्ट फ्रॉम द रिटर्न ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल। देखो जब हम एक एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं उससे जो इनकम मिलती है उसके अंदर जो कॉस्ट होती है उसको माइनस करके जो हमारी नेट रिटर्न होती है उसको हम मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कहते हैं। तो ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, द अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ द कैपिटल एसेट। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। देखो यहाँ पे है हमारी जो मशीन हमने खरीदी है ये कैपिटल है, एसेट है, इसकी जो कॉस्ट है वो है 40,000 और देखो इसकी जो लाइफ है वो है 10 ईयर्स और हमें टोटल प्रॉफिट जो हुआ है, टोटल रेवेन्यू जो प्राप्त हुआ है वो है 60,000 के अंदर से हमने प्रॉफिट निकालना है 60,000 माइनस 40,000 तो ये आ जाता है 20,000। तो क्योंकि ये पूरी ड्यूरेशन के अंदर 10 ईयर के अंदर हमने ये जो प्रॉफिट है 20,000 कमाया है, तो पर ईयर हमने 20,000 डिवाइडेड बाय 10 तो ये आ जाएगा रुपीज 2,000। अब हमने जो है प्रॉफिट निकालना है परसेंटेज के अंदर 2,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 100 तो ये 3 जीरो इससे कट हो जाएंगे 2, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा और 20 को जब हमने 100 से डिवाइड किया तो ये 5%। तो यहाँ पे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है हमारी 5% है। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैपिटल एसेट इज द हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न ओवर कॉस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन एडिशनल और मार्जिनल यूनिट ऑफ दैट टाइप ऑफ एन एसेट। जब हम एक
जो है एडिशनल यूनिट इन्वेस्ट करते हैं तो उससे जो हमें हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न ओवर कॉस्ट मिलती है दैट इज नोन एज ए मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है दैट इज द रेशियो बिटवीन द प्रोस्पेक्टिव यील्ड ऑफ एडिशनल कैपिटल गुड। देखो जो एडिशनल कैपिटल गुड के अंदर हमने निवेश किया है तो उसे हर साल हमें प्रोस्पेक्टिव यील्ड मिलेगी, तो ये रेशियो है प्रोस्पेक्टिव यील्ड ऑफ एडिशनल कैपिटल गुड एंड दी सप्लाई प्राइस। सप्लाई प्राइस का मतलब होता है कि आज की डेट के अंदर अगर हम उस कैपिटल गुड्स को मार्केट के अंदर से सिमिलर गुड को आज की डेट पे परचेज करते हैं तो हमें उसकी प्राइस क्या पड़ेगी, उसको हम सप्लाई प्राइस कहते हैं। और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है दैट डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स, एक तो प्रोस्पेक्टिव यील्ड एंड सेकेंड इज द सप्लाई प्राइस। देखो एग्रीगेट नेट रिटर्न एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग इट्स होल लाइफ, ये जब हम जो है इन्वेस्ट करते हैं तो उससे हमें पूरी उसकी जो कैपिटल एसेट है उसकी जो पूरी ड्यूरेशन होती है लाइफ होती है उसके अंदर हमें एग्रीगेट नेट रिटर्न कितनी मिलती है, तो उसमें हम एनुअल रिटर्न जो है कैलकुलेट करते हैं फिर कॉस्ट को माइनस करते हैं तो पी वाई जो है डेट इज द प्रोस्पेक्टिव यील्ड। Q1 जो है फर्स्ट ईयर में नेट रिटर्न कितनी है, Q2 जो है सेकेंड ईयर में, Q3 जो है थर्ड ईयर में, Qn जो है nth ईयर में। तो ये नेट रेवेन्यू है जो हमने जो है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करके नेट रिटर्न निकाली है। और उसी तरह अगर मार्केट प्राइस के अंदर चेंजेस होती है तो वो प्रोस्पेक्टिव यील्ड को भी क्या है इफेक्ट करती है, क्योंकि अगर मार्केट प्राइस बढ़ जाती है तो हमारी नेट रिटर्न भी बढ़ जाएगी और अगर हमारी मार्केट प्राइस कम होती है तो हमारी नेट रिटर्न भी कम हो जाएगी। सप्लाई प्राइस ऑफ ए कैपिटल एसेट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ए न्यू एसेट ऑफ डेट कैपिटल। देखो ये नहीं कि एग्जिस्टिंग कॉस्ट की सप्लाई प्राइस क्या है, अगर उसी तरह की हम नई एसेट आज की डेट में प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी हमें क्या कॉस्ट पड़ेगी, क्या लागत पड़ेगी, दैट इज नोन एज ए सप्लाई प्राइस। इसको हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहते हैं। अब जो हमारा दूसरा पार्ट है कि फैक्टर्स जिनके ऊपर हमारी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है डिपेंड करती है, तो दो तरह के फैक्टर्स हैं, शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है। तो पहले हम शॉर्ट टर्म फैक्टर्स को स्टडी करेंगे, तो ये सारे शॉर्ट टर्म फैक्टर्स हैं, साइज ऑफ द मार्केट, एक्सपेक्टेशन कंसर्निंग कॉस्ट एंड प्राइसेस इन फ्यूचर, चेंजेस इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, द साइकोलॉजी ऑफ द बिजनेसमैन, चेंजेस इन इनकम, टैक्सेशन पॉलिसी, एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड। तो इसको वन बाय वन करके वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। देखो जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल होती है वो मार्केट के साइज से भी प्रभावित होती है। अगर मार्केट का साइज बड़ा है, द साइज ऑफ द मार्केट इज लार्ज, इसका मतलब है कि प्रेजेंट समय के अंदर फ्यूचर के अंदर उसकी जो गुड्स की डिमांड है वो इंक्रीज होगी। अगर साइज ऑफ मार्केट इज बुक बिग है, अगर देखो हमारी मार्केट का साइज बड़ा है और लोग ज्यादा डिमांड करते हैं तो हम लार्ज स्केल के ऊपर प्रोड्यूस करेंगे जिससे हमें एक्सटर्नल और इंटरनल इकोनॉमीज मिलेगी और जिससे हमारी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी। उसी तरह एक्सपेक्टेशन कंसर्निंग कॉस्ट एंड प्राइसेस इन फ्यूचर, अगर देखो कॉस्ट बढ़ जाएगी और प्राइसेस कम हो जाएगी तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी, तो ये नेगेटिव इफेक्ट होती है अगर हमारी लागत जो है राइज हो जाती है और प्राइस जो है फॉल कर जाती है। बट अगर हमारी कॉस्ट जो है डेट इज लाइकली टू फॉल और प्राइसेस फ्यूचर के अंदर राइज होगी तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है फेवरेबली इफेक्ट होती है। इसका मतलब होता है उस सिचुएशन के अंदर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ज्यादा होती है। चेंजेस इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, देखो जब लोगों की प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ती है इसका मतलब होता है कि इनकम के अंदर से वो ज्यादा कंजम्पशन के ऊपर खर्च करते हैं तो वो डिमांड फॉर गुड्स इंक्रीज हो जाएगी, प्राइसेस राइज करेगी और जिससे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है राइज करेगी। बट अगर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फॉल करती है तो हमारी MEC जो है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है वो भी डिक्रीज होती है। उसी तरह एंटरप्रेन्योर की जो साइकोलॉजी है वो भी हमारी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को प्रभावित करती है। देखो अगर एंटरप्रेन्योर जो है ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है उनको लगता है कि वो डिमांड बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेंगे, तो उस सिचुएशन के अंदर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल विल इंक्रीज। बट अगर क्या है कि वो नेगेटिव थॉट के हैं तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल विल डिक्रीज। चेंज इन इनकम, देखो जब लोगों की इनकम चेंज होती है तो डेफिनेटली उनकी कंजम्पशन भी
जब इनकम इंक्रीज होती है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होती है, तो इससे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, राइज होती है। और उसी तरह अगर हमारी इनकम डिक्रीज होती है तो कंजम्पशन भी डिक्रीज होती है, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। टैक्सेशन पॉलिसी, उसी तरह अगर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स हाई है तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा डिस्करेज होगी, ज्यादा नहीं होगी, तो कंजम्पशन भी कम हो जाएगी क्योंकि प्राइसेस के अंदर राइज हो रहा है, और हमारी एमएससी भी जो है कम हो जाएगी। बट अगर लो रेट्स हैं तो इन्वेस्टमेंट इंकरेज होगी, कंजम्पशन इंक्रीज होगी, और उससे क्या होगा कि हमें जो है एमएससी भी इंक्रीज होगी। इसी तरह एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स के, जो कैपिटल गुड्स का स्टॉक एग्जिस्टिंग हमारे पास ज्यादा है या कम है, अगर एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड जो है ऑलरेडी बहुत हाई है तो डेफिनेटली तो एमएससी इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि कंपटीशन की वजह से क्या होगा कि देयर विल बी रिडक्शन इन एमएससी। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज आल्सो अफेक्टेड बाय द लिक्विड एसेट्स। अगर लिक्विड एसेट्स होती हैं तो एंटरप्रेन्योर जो है ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे मार्जिनल एफिशिएंसी कम हो जाती है। बट अगर एसेट जो है इलिक्विड है तो डेफिनेटली देयर विल बी लेस इन्वेस्टमेंट एंड इट विल हैव पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन एमएससी। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिट, देखो जो प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट है दैट इज इन्फ्लुएंस्ड के हमारा फ्यूचर के अंदर प्रॉफिट की क्या एक्सपेक्टेशन है। अगर एक्सपेक्टेशन फेवरेबल है कि हमें लगता है कि प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो उससे हमारी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल भी इंक्रीज होगी, बट अगर एक्सपेक्टेशन अनफेवरेबल है तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल विल बी लो। प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल गुड्स, देखो अगर प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है ऑलरेडी लार्ज है तो अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो उससे क्या होगा, क्योंकि हमें और एग्जिस्टिंग कैपिटल गुड्स का हमारे पास कैपेसिटी ज्यादा है तो हम उन्हीं को यूज करेंगे, तो इट विल हैव एडवर्स इंपैक्ट ऑन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। बट अगर हमारी एग्जिस्टिंग कैपिटल गुड्स जो है उनकी कैपेसिटी लार्ज नहीं है तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। और उसी तरह क्या है कि अगर प्रेजेंट फ्लो ऑफ इनकम जो है एग्जिस्टिंग कैपिटल गुड्स से इंक्रीज हो रहा है फास्ट स्पीड पे तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा। अब हम देखते हैं लॉन्ग रन फैक्टर जिसके अंदर पॉपुलेशन आ जाती है, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट आ जाती है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ नॉर्मल कंडीशन, डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेरिटरीज, चेंज इन द सप्लाई ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट, लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन डिमांड, तो इन सब का हम वन बाय वन करके देखते हैं। देखो अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो उससे मार्केट का साइज भी बढ़ेगा क्योंकि डिमांड बढ़ेगी, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल भी इंक्रीज होती है, उसके ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट होता है, तो ये इन्वेस्टमेंट को भी इंक्रीज करेगी क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल विल ऑल्सो इंक्रीज। उसी तरह अगर हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो सोशलिज्म को अडॉप्ट करती है तो उसके अंदर क्या है कि वो नेशनलिज्म की पॉलिसी अडॉप्ट करेगी और जिससे वो टैक्सेस को इंक्रीज करेगी तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिस्करेज हो जाएगी, तो एमएससी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी। बट अगर गवर्नमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर को इंकरेज करेगी तो उससे एमएससी जो है बढ़ेगी क्योंकि इन्वेस्टमेंट इंकरेज होंगे। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है फेवरेबल इफेक्ट होती है अगर टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन इंप्रूव होती है और वहां पे इनोवेशंस होती है। जब प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे हम न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा करते हैं तो इससे हमारी एमएससी जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है वो इंक्रीज होती है। अब नॉर्मल कंडीशन होता है कि अगर वॉर की पॉसिबिलिटी है तो उस वक्त देश के अंदर पॉलिटिकल सोशल अनरेस्ट होगा, देश के अंदर पीस नहीं होगा, वहां पे जो इन्वायरमेंट है वो अनपीसफुल होगा, तो इससे क्या होगा कि हमारी एडवर्स इम्पैक्ट आएगा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। बट अगर पीसफुल इन्वायरमेंट है तो वहां पे ग्रोथ के चांसेस होंगे जिससे हमारी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इंक्रीज होगी। उसी तरह डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेरिटरीज, देखो जब न्यू टेरिटरीज डिवेल्प होती हैं, न्यू रेजिडेंशियल कॉलोनीज आती हैं, तो वहां पे ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स बनती हैं, काफी सारी चीजों की डिमांड बढ़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो देयर विल बी मोर डिमांड फॉर ट्रांसपोर्टेशन मींस ऑफ कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इन्वेस्टमेंट इंकरेज होगी और जिसका पॉजिटिवली इम्पैक्ट जाता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पर। चेंजेस इन द सप्लाई ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट, अगर एग्जिस्टिंग कैपिटल इक्विपमेंट आर सो लार्ज कि वो राइजिंग डिमांड को पूरा कर सकते हैं तो इसका अनफेवरेबल इम्पैक्ट होगा इन्वेस्टमेंट और एमएससी के ऊपर। अगर कंज्यूमर की जो डिमांड है वो परमानेंटली फ्यूचर के अंदर राइज होती है तो उससे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल भी जो है इंक्रीज होता है।
तो अब हम देखते हैं कि जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है इसका क्रिटिसिज्म। देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो टर्म है बड़ी वेग है, वेग का मतलब होता है विच इज नॉट क्लियर, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म जो है केन्स ने यूज किया है। जैसे उसने रेट ऑफ डिस्काउंट यूज किया है, तो रेट ऑफ डिस्काउंट जो होता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टर्म है। उसी तरह डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो केन्स हैज प्रेजेंटेड द रॉन्ग बेसिस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। उसने कहा कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सपेक्टेशन, बट उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो है कोई प्रभाव नहीं होता, तो ये कहना गलत है। केन्स ने मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को तो डायनामिक के ये जो इन्वायरमेंट में चेंजेस होती है उससे प्रभावित होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को उन्होंने स्टैटिक टर्म में लिया है, तो ये अनरियलिस्टिक अप्रोच है। उसी तरह क्या है कि हम मार्जिनल एफिशिएंसी को मेयर नहीं कर सकते जब तक हमें सारे फैक्टर्स की एफिशिएंसी के बारे में ना पता हो। और उसी तरह ये जो थ्योरी है परफेक्ट कंपटीशन को अज्यूम करती है, जो कि रियलिटी में होता ही नहीं है, तो इट इज ए अनरियलिस्टिक अजम्पशन।